समय मैं आपका ज़्यादा लूंगा नहीं, मैच रहेगा पुर्तगाल वर्सेस नीदरलैंड के बीच में ECS T10 का, और ये होम ग्राउंड है पुर्तगाल का। डिस्कस करेंगे आपको किसे अपनी टीम में रखना चाहिए, कब आपको ट्राई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन से आपके इस मैच में सबसे बड़े ट्रम्प्स बन सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर जो आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना कि इस मैच को विन करना। बट मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ऑन डिमांड ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं, और फाइनल टीम अपडेट के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर से ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन क्यों करना है, टॉस हो गया, लाइनअप आ गया, लास्ट मिनट छोटे छोटे जो भी अपडेट्स आते हैं जिसे अगर हम यूट्यूब पर कवर नहीं कर पाते हैं तो वे आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाता है, क्योंकि लास्ट मिनट जो भी अपडेट्स है हम उसे यूट्यूब पर कवर करें कैसे। आप जो वीडियो देख रहे हैं टाइटल और कमेंट सेक्शन क्लिक करिए, टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, telegram.me करके लिंक मिल जाएगा, टैप करके ज्वाइन कर सकते हैं, सेम लिंक कमेंट सेक्शन टॉप पर पिन करवा देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को याद से प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की कंटेंट वीडियोज इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो फैंटेसी के अंदर आपको बेहतर से बेहतर प्लेयर बनाए, इस पूरे सीरीज के अंदर तगड़ी प्रॉफिट कराए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक याद से कर देना जिसका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। मैच की तरफ लेकर चलो भैया, कहाँ नीदरलैंड और कहाँ पुर्तगाल। नीदरलैंड 11 टीम है, बट स्टिल इनके पास इतनी तगड़ी क्वालिटी है ना कि पूछो मत कंपेयर टू पुर्तगाल। बात करें पिच के बारे में, बाउंड्री बहुत ज्यादा इन्होंने बरी रखी नहीं है, पिच पर भाई आर्टिफिशियल रहता है, जिसकी वजह से बैलेंस पिच मानकर चल सकते हो, एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर क्वालिटी। अब क्वालिटी के बारे में बात करें तो टिटियंस के अंदर नीदरलैंड सबसे खतरनाक स्पिन बॉलिंग अटैक रखती है। अब पिच थोड़ा सा भी स्लो होगा तो इनके लिए पुर्तगाल के लिए दिक्कत हो सकती है, बट स्टिल एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर क्वालिटी ही रहेगा। अब विकेट कीपर सेक्शन, आपको चार ऑप्शंस बेसिकली हो सके इस मैच में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब आपको रखना है तो कॉर्नर ग्लिनसिल और एम मैचाडो सबसे पहले लेकर चलो। मैचाडो दोस्तों रिसेंटली खेला था, भाई कौन सा था यार, वे लीग चल रहा था ना ECL यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप, तो वहाँ पर भी भाई ने फारा, और सी ग्रिल सीट तो नंबर वन प्लेयर ऑफ पुर्तगाल है, तगड़ी बैटिंग प्लस आपको बॉलिंग प्रोवाइड कराते हैं, विकेट कीपिंग करें वो भी सही। असद आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, घोली आप अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर खेलेंगे तो हाई चांस ओपनिंग कर सकते हैं एम मैचाडो के साथ, और फर्स्ट डाउन आपको सी ग्रिल सीट खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैटिंग सेक्शन ए सिंह, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग प्लस बैटिंग, बैटिंग उतनी खास नहीं और बॉलिंग से ज़्यादा विकेट निकालते नहीं, सिलेक्शन सिर्फ ज़्यादा है, यू कैन टेक रिस्क। अगर आपको रखना है तो आपके लिए ऑप्शन है सिकंदर जुल्फिकार, ए जैब, बी गोरली, उसके बाद दोस्तों यहाँ से ग्रीम में। अब देखो यहाँ से सबसे पहले सिकंदर जुल्फिकार को लेकर चलो, बंदा T10 के अंदर खेलता अलग है भाई, भले ही ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर था लेकिन T10 के अंदर इनको बैटिंग ऑलराउंडर बना दिया गया, तगड़ी हार्ड हिटिंग बैटिंग आपको प्रोवाइड कराएंगे, चांस मिला थोड़ी बहुत राइट आर्म मीडियम बॉलिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। दूसरा ऑप्शन ए जेब, आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों जबरदस्त है, हवाई फायर करते नहीं, आपको क्लास शॉटेज खेलते हुए दिखाई देते हैं, इनिंग बिल्ड करते हैं और विद द बॉल नई बॉल से भी आकर विकेट निकाल लेते हैं, ठीक है तो रखकर चलो। बी गोल्डरी, देखो बंदा इनका क्या है ना कि ये ऐसा नहीं कि हर मैच में 50 ठोका हर मैच, लेकिन डबल फिगर में जरूर चले जाते हैं, 20-30 रन खरे खरे फर्स्ट डाउन आकर बना देते हैं। एस क्रीम में ग्राइंडिंग में रखना, क्योंकि सामने स्पिन बॉलिंग है नीदरलैंड की जो टपका सकती है, अब और कोई प्लेयर खेलेगा देखेंगे। बॉलिंग सेक्शन, ऐसे तो पांच ऑप्शंस है आपके लिए, लेकिन आप इन पांचों में से इन चार को लेकर, ये पांच ऑप्शंस है चार को लेकर चल सकते हो। एन साजाद खेलेगा टॉप ऑर्डर में बैटिंग, साथ ही साथ जबरदस्त आपको राइट आर्म मीडियम बॉलिंग। दूसरा ऑप्शन साकिब जुल्फिकार, बेहतरीन लेग स्पिन बॉलिंग और साथ ही साथ थोड़ी बहुत बैटिंग। हाँ एक चीज़ जरूर है कि कोई भी टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। उसके बाद एफ स्टोमेन, जो आपको भाई यहाँ पर ग्रीन सील सेकेंड थर्ड या फोर्थ डाउन बैटिंग देंगे, साथ ही साथ दो ओवर की बॉलिंग स्टार्ट, एक ओवर और एक ओवर देते में, और एरियन दत्त जो जहाँ तक मुझे याद है ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपने आप को नीदरलैंड टीम के लिए एज अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर। आई थिंक यही थे जिन्होंने बाबर आजम का भी विकेट लिया था, जबरदस्त राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी देंगे, बस एज अ फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन में खेलना चाहिए। यहाँ से इलेन बॉस देखोगे तो भाई उतना ज़्यादा मैं आपको प्रीफर करूँगा नहीं, क्योंकि चांसेस के ऊपर है, लास्ट ईयर ही 19 मैच खेलने के लिए मिला जिसमें बस 11 मैचेज में ही इनको विद द बॉल चांस मिला था और थोड़ी बहुत विद द बैट मिल जाता है। बॉलिंग से बेसिकली आप ये दो प्लेयर्स अपने टीम में पहला और आखिरी मान सकते हो, इस बार टीम को लीड करेंगे, जबरदस्त पेस बॉलिंग, खतरनाक हार्ड हिटिंग बैटिंग प्रोवाइड कराएंगे, नो डिसाइडर्स। सिर्फ एलोड लगातार आपको लास्ट ईयर बॉलिंग दिए थे, हाईएस्ट विकेट टेकर और हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर नीदरलैंड बने थे, वन ऑफ द टॉप क्लास ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम इन टिटन्स, क्योंकि देखोगे तगड़ी आपको हार्ड हिटिंग ओपनिंग दे देंगे, साथ ही साथ आपको दो ओवर की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जिसमें आर्म बॉल बहुत ज़्यादा शानदार डालते। एम सिराज निपोक ग्रैंडलीम में रखना, जे खान पहला और तीसरा ओवर पावर प्ले के अंदर कराएंगे अगर खेलेंगे तो, और पी सिंह जूनियर भी पहला तीसरा ओवर ही कराते हैं, और मिहसान थोड़ी बहुत बैटिंग प्लस बॉलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं।
मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले याद दिला दूँ, फाइनल टीम और अपडेट के लिए याद से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। कैप्टन वाइस कैप्टन देखोगे, दुनिया अलग अलग को बनाकर जाएगी, बट आई प्रीफर कि फाइलोड से बेहतर कोई ऑप्शन इस मैच में कैप्टन के लिए रहेगा नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वालिटी इन्हीं के पास है। आप सेबिस्टन बरात को दे सकते हो नीदरलैंड बैट फर्स्ट करे तो, आप मैजेडे को दे सकते हो, ग्रीनसील्ड अगर एज अ प्लेयर खेले तो देकर चल सकते हो, जुल्फिकार को दे सकते हो, एन शहजाद को दे सकते हो, यहाँ तक कि आप एफ स्टोमेन को भी देख सकते हो। तो बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, अब लेट्स सी टॉस एंड लाइनअप के बाद ही अपडेट्स हमें पता चलेगी कि कौन से खेलेंगे कौन से नहीं खेलेंगे, उसी हिसाब से फाइनल टीम एंड अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जय हिंद भाइयों।